काजल सोनी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ एक खास कार्यक्रम। ये तो पब्लिक है, जैसा कि नाम ही है कि ये तो पब्लिक और पब्लिक सब कुछ जानती है। और आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। केंद्र सरकार जिस तरह से अपना बजट पेश कर ही चुकी है और अब बारी है प्रदेश की बजट की, जिसमें सभी की निगाहें टिकी हुई है कि इस बार बजट कैसा होने वाला है। और जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम है ये तो पब्लिक, और हम पब्लिक के बीच मौजूद है, तो पब्लिक ही बताएगी कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी और बजट में क्या होने वाला है और सरकार से क्या उम्मीदें हैं। तो हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं कि बजट को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से हैं प्रॉपर। तो कुछ पता है 22 तारीख को बजट पेश होने वाला है योगी सरकार का? योगी सरकार का मैम बजट तो पता नहीं है, लेकिन बजट के बारे में मैं यही कहूँगा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं बजट के बारे में बता सकूँ। कि आज तक हमें मतलब वैसा बजट का कोई मतलब नहीं समझ में आया, कहीं कुछ मिला नहीं, कहीं कुछ बचत के मामले में जो चीज़ें बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम थे कहाँ, अभी 70-75 रुपये चल रहे थे, अब 88 रुपये हो गए हैं। तो इसके बारे में मैम अभी यही सब है, हम बता नहीं सकते जो है हम। यानी सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है आपकी? कोई उम्मीदें नहीं है मैम, कोई उम्मीदें नहीं। निराशा ही निराशा मिली है? अभी तो निराशा ही मिली है, आगे अब भगवान जाने। अभी तो निराशा ही चल रही है, जब तक आई है तब तक निराशा ही चल रही है, अब आगे देखा जाए। कुछ हद तक ठीक किया उन्होंने, लेकिन बजट के मामले में कहीं कहीं काफ़ी बढ़ गए। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, 88 रुपये हो गए हैं। जी मैम, जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने इन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से निराश हैं, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है सरकार से, तो आइए लोगों से और जानते। भैया, बजट को लेकर क्या कहना है आपका, बताइए। 22 तारीख को बजट पेश होने वाला है, क्या कहना है आपका? हम नहीं बताएंगे, ये बताएंगे, इनसे पूछिए। क्यों आप देश में रहते, आपको बजट की कोई चिंता नहीं है? यूपी में रह रहे अभी हमें कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप करते क्या हैं? MR है, जॉब करते हैं। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, लोकल है। तो बजट को लेके कोई वो नहीं है? अभी कुछ नहीं। क्यों नहीं है? बजट पे देखा ही नहीं अभी हमने, क्या आया क्या नहीं आया। सरकार से उम्मीदें क्या है? उम्मीद तो कुछ है नहीं, देख ही रही हैं आप। बस पेट्रोल घटवाइए, पेट्रोल घटवाइए, पेट्रोल। अच्छा, तो सरकार से कहना चाहते हैं कि पेट्रोल घटे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पे कंट्रोल करो, और उसके बाद में जो ये पेट्रोल का रोज रेट बढ़ता चला जा रहा है, उस हिसाब से पेट्रोल को डाउन करवाइए। और बाकी जो कृषक लोग हैं, उनके खाद का बीज का जो रेट बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, उस पर सब पे आप लोग कंट्रोल करवाइए। सरकार से आशाएं हैं कि निराशा है? हम लोग तो आशा ही करेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड है वो क्या करती है। अच्छा, सरकार ने अभी तक क्या दिया है? अभी तक तो ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जब से ये सरकार आई महंगाई बढ़ रही, बस यही दिया है सरकार ने। अगर कुछ दिया है तो महंगाई बढ़ रही है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, क्योंकि हम लोग MR हैं, हम लोग का रोजमर्रा काम है यही गाड़ी चलाना, तो पेट्रोल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसका असर हम लोग के भी जीवन में पड़ रहा है, बाकी और भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी पड़ रहा है उसका, और जितने भी अर्थव्यवस्था वाले काम है उन सब पे उसका पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। तो आम बजट जो हम लोग के घर का बजट है वो तो ख़राब होता जा रहा है ना भाई, देश का बजट है या प्रदेश का बजट है उसकी बात की बात है, जो हम लोग का बजट है वो तो ख़राब हो रहा है। यानी मेन आपका सवाल ये है, आप ये चाहते हैं सरकार से कि पेट्रोल के दामों को घटाए? पेट्रोल का दाम घटेगा तो धीरे धीरे हर चीज़ें अपने आप डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्ट है वो अपने आप सस्ता होगा, जब ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, बाहर से आने वाला सामान हो या अपने शहर में टहल रहा हो, तो धीरे धीरे नीचे कम दामों में मिलेगा, क्योंकि जैसे देखा जाए पिछली सरकार से सरकार में तेल बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो बजट तो दूर की बात है, पहले जो आम जो रोज़ हम लोग में यूज़ करते हैं, पहले तो वो मेन चीज़ है ना। वही चाहते हैं ना कि 22 तारीख को जो बजट आने वाला है उसमें महंगाई को मतलब कम करें। मेन तो महंगाई है, कि महंगाई कम होगी धीरे धीरे सारे घर पे सबके पर उसका असर पड़ेगा, तो महंगाई कम होगी तो सबके लिए उसका फायदेमंद चीज़ है। आप बताइए आपको क्या चाहिए सरकार से? नहीं, मुझे अच्छा बजट पेश करें, लोग खुश हों, उससे लोगों को फायदा हो, बस इतना ही। जैसे इन्होंने इनका स्टेटमेंट है कि बेटी बचाओ, तो अभी जैसे उन्नाव का केस हुआ है अभी सुनने में आ रहा है, तो उस तरीके के जो केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल हो, इनको एक कानून व्यवस्था और थोड़ी मजबूत करे कि महिलाओं के साथ जो भी छेड़खानी होती है या वीडियो बना लिए जाते हैं या उनसे बदतमीजी की जाती है, या जैसे उन्नाव का केस हुआ है, तो सबसे मेन चीज़ है कि हमारी माँ बहन है वो सेफ रहे, अगर रात में निकले या सुबह निकले तो उनकी सेफ्टी बरकरार रहे। भाई ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर बेसिक चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी
तो बजट तो बहुत दूर की बात है। पहले बेसिक चीज़ है कि हमारी माँ बहन जो घर से निकलती हैं वो सेफ रहे, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, उसमें जाति या किसी तरह का कोई चीज़ देखी ना जाए, सबके लिए एक बराबर कानून लाया जाए कि किसी को कुछ ना किया जाए या किसी के चुपके से जैसे वीडियो बनाई जाती है या फोटो खींची जाती है, इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाया जाए ताकि उनका जो वीडियो वायरल ना हो, सब पे कंट्रोल किया जाए। तो मेन चीज़ तो ये है, आप महिला सुरक्षा के लेके चाहते हैं, सेफ्टी सबसे मेन चीज़ है कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो आइए और लोगों से जानते हैं। 22 तारीख को यूपी सरकार अपना बजट पेश कर रही है, आपको क्या कहना है? अरे हम 22 तारीख को तो हॉस्पिटल ही में, हम क्या बता दें आपको? बताइए, कुछ तो उम्मीदें होंगी सरकार को, नहीं बता सकते। अच्छा, परेशान चल रहे हैं अपने आप? अच्छा, परेशान है मतलब इसलिए आप? यही लिए मतलब कहीं जा ही सकते हैं, ये दिन भर तो यहीं रहना हमको हॉस्पिटल में। क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब में है तो आपसे पूछना बनता ही है कि बजट पेश होने वाला है, तो सरकार से उम्मीदें क्या हैं आपकी? नहीं जा रहे हैं ऑफिस, नहीं जा रहे, लेकिन उम्मीदें क्या हैं? हम नहीं जानते इसके बारे में कुछ भी, सरकार क्या कर? नुकसान ही है हम लोग का ही खुद ही, नुकसान तो हम लोग का भी तो हो रहा है, सब तो बंदी हो गया हम लोगों के लिए। क्या उसने हम लोगों के लिए रखा ही है? बजट से कोई उम्मीद नहीं है नानी। नमस्कार अंकल। अंकल 22 तारीख को यूपी का बजट पेश होने वाला है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या बताने इसके बारे में, हमें तो उतना जानकारी भी नहीं है। आप करते क्या हैं? बिजनेस कर रहे हैं। डेली का यही काम है? यही डेली है। घर चल जाता है? खर्च कहाँ चला, खर्च पूरा नहीं होता इससे। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से क्या उम्मीद करें, गरीब जब आता है रोड से हटाया जाता है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, आदमी पास काम है नहीं, जो है वो भी ले ले रहे हैं, तो क्या कर सकता है इंसान? ये प्राइवेट आदमी तो मरता ही जा रहा है ना, मिडिल क्लास आदमी की हालत खराब हो जा रही है, और जो ऊंचे तबके पे हैं वो ऊंचे बढ़ते चले जा रहे हैं, और प्रेशर इतना कराया रहा है, नया बजट आ रहा है, इतना प्रेशर आदमी ऊपर लाद दिया जा रहा है, कहाँ से बेयर करेगा आदमी बताइए? जो आदमी पहले 10,000 कमाता था वो खुश था, अब जो 20,000 कमा रहा है वो भी खुश नहीं है, क्योंकि इतने टैक्सेस ऊपर से आ गए हैं, तो कैसे कैसे करेगा इंसान? तो आम आदमी पिस रहा है केवल बस। तो बजट का असर हमारे ऊपर, हम बजट पढ़े ना पढ़े हमको तो झेलना झेलना ही बजट है, उनका काम बना देना कर देना, बाकी तो फिर अब क्या कर सकते हैं हम लोग? यानी बजट का असर अभी से आभास हो गया कि बजट होने वाला क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आभास तो हो जाता है ना इंसान को, मतलब वो कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वही हिसाब किताब है। सरकार से खुश नहीं है? नहीं, सरकार से खुश, बाकी काम बहुत और खुश हर जगह, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल काम को लेकर ही चल सकते हैं ना हम, सरकार का मामला यूपी है तो यूपी ऑल ओवर यूपी चल रहा है ना, और यू यहाँ तक मेरा ख्याल है कि यूथ सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में ही है, और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में ही है, अगर जो लोग और बाहरी लोग सपोर्ट करने बजाय इंडियन को सपोर्ट कर, हम लोग बाहर क्यों जाते हैं? हम गवर्नमेंट सेक्टर में करने बजाय आरक्षण मार देते हैं हम लोग को। आप बताइए अंकल, बताइए क्या बजट को लेकर क्या कहना है आपका? बजट को लेकर क्या कुछ कहना है? 22 तारीख को बजट पेश हो रहा है यूपी का, क्या कहना है? जो अच्छा हो। उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें तो अच्छा है की है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि करेगी सरकार? सरकार ये गरीबी मिटाए, क्या करे, गरीबों को परेशान न करे, किसानों को परेशान न करे। अभी तक मिटाया? मिटाया कुछ नहीं है। तो अभी क्या आशा है? आशा क्या है, अब आशा के आगे निराशा के आगे तो आशा ही आशा है सब। अभी तक सरकार ने क्या कुछ किया है यूपी के लिए? अरे जो किया है अपने लिए किया है। भैया बजट को लेके क्या कहना है आपका? महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए बस। अच्छा, महंगाई पे? महंगाई पे। अच्छा, उम्मीद है सरकार से? उम्मीद तो है सरकार से, बढ़ेगी। क्यों उम्मीद है? हो सकता है बजट में पास हो जाए तो महंगाई रुक जाएगी, बता रहे थे मोदी जी भी, बोले थे भी समाचार में। तो मतलब भरोसा है पूरा? भरोसा तो किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है भाई, भरोसा किया जा। अभी तक दिया क्या, क्या लाभ मिला सरकार से आपको, ये बताइए सर, लाभ गिना दीजिए मुझे, लाभ बता दीजिए। लाभ क्या दे दिया? अब इंसान को आशा तब होती है ना जब उसको कोई लाभ भी मिला होता है, लाभ मुझे भी बता दीजिए। लाभ तो नहीं मिला, जो भरोसा वो दिला रहे हैं वही भरोसा ये किया जा सकता है। अच्छा, मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम। भैया आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? जी मैं घर जा रहा हूँ। कहाँ रहते हैं? जी अमऊ। तो बजट को लेकर क्या कहना है? बस महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई चरम सीमा पे 80-90 रुपये पेट्रोल है। सरकार से उम्मीद है या फिर निराशा है? उम्मीद ही है। उम्मीद क्यों है? योगी गवर्नमेंट से उम्मीद क्यों है? क्या मतलब? उम्मीद क्यों है? ऐसा कोई लाभ मिला आज तक, यानी कि आपको लाभ मिला तभी तो उम्मीद है? लाभ क्यों नहीं मिला, जैसे हमारे फैमिली में कई लोग को अभी तो गवर्नमेंट जॉब मिली है, जो बीएड की परीक्षा पास की गई थी, हमारी बहू हैं तो उनको जॉब मिली है योगी सरकार में, ये योगी गवर्नमेंट में उम्मीद है, यानी उम्मीद है।
भैया योगी सरकार का 22 फरवरी को बजट आ रहा है, क्या कुछ कहना है? मैम देखिए, सबसे पहले हम लोग हैं मिडिल क्लास, तो उनका जो फोकल पॉइंट होना चाहिए वो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स और उनका जो टैक्स है उसके ऊपर होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे शॉप पे बैठते हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दवाई को लेके हो या मेडिकल में हो या कॉमन, एक एज अ लेमैन, अगर योगी जी भी एज अ लेमैन सोचेंगे और यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में सोचेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। सिर्फ बैठ करके वहाँ पर एक कॉमन बजट बनाना और एक लेमैन के लिए बजट बनाने में बहुत अंतर होता है। हमारे जो टैक्स है या शॉप का हो या हमारा पर्सनल इंडिविजुअल इनकम टैक्स हो उसके बारे में, क्योंकि मेजर इंडियन सोसाइटी का मेजर जंग जो है, जो टैक्स पेयर जंग है, वो मिडिल क्लास है। यानी आप जान गए कि इस बजट में आम जनता के मुद्दों को नहीं रखा जाएगा? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा उनको ध्यान देना चाहिए मिडिल क्लास पर। तो मतलब मिडिल क्लास पर ध्यान नहीं देंगे वो? मैंने कहा उनको देना चाहिए। तेरे मतलब अभी तक ना? अभी तक मैं कह रहा हूँ, मैं देना चाहिए, आगे जो हो गया छोड़िए, लेट पास बी पास्ट, फ्यूचर में क्या होना चाहिए। पास को हम बदल नहीं सकते, हम फ्यूचर को देख के काम करते हैं, तो फ्यूचर में ये होना चाहिए। इस साल से 2021 से 22 तक शहर के क्या हालत है, मिडिल क्लास क्या क्या प्रॉब्लम से जूझता है डे इन एंड डे आउट, उम्मीदें अच्छी हैं। अभी तक जो उन्होंने काम किया है वो ओवरऑल अच्छा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइंस भी हैं, आगे फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं उनके, लेकिन थोड़ा सा और डीप में जा करके मिडिल क्लास को समझना चाहिए उनको कि हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं फाइनेंशियली, समाज में हम लोग डे इन डे आउट क्या फेस कर रहे हैं। तो बजट को लेके हमारे सवाल जारी हैं लगातार, और कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि बजट में क्या कहना है इनका। यूपी सरकार बजट पेश कर रही है, क्या कुछ कहना है? मैम जो बजट है ठीक है, लेकिन बजट में रोजगार के लिए कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। जी हाँ, रोजगार की कमी है, बेरोजगारी ज़्यादा है। जी सरकार से उम्मीदें क्या दिख रही है कि बजट इस बार निराशाजनक होने वाला है या फिर अच्छा होने वाला है? तो निराशाजनक ही, अभी बहुत अच्छा नहीं है। निराशा क्यों है? क्योंकि कोई रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। सरकार असफल है आपकी तरफ से? हाँ, मेरी तरफ से बहुत संतोषजनक नहीं है। तो सरकार से क्या आशा रखते हैं? सरकार से तो आशा बहुत बड़ी रखे थे, लेकिन वो हुआ ही नहीं। अच्छा, क्या आशा थी? आशा था ये अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन के बजाय महंगाई कर दिए हैं। महंगाई में क्या 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 महंगाई हुई बताइए? चीज़ महंगाई हो गई। क्या क्या? जैसे कि पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ें, डीजल महंगा हुआ, उसके बाद रिफाइंड और दाल वगैरह सब महंगी हो गई हैं। अच्छा, तो क्या मतलब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि डाउन हो थोड़ा बहुत, तो अच्छे दिन गरीबों के अच्छे दिन कटें, तो गरीब दिन अच्छे दिन कट ही नहीं पा रहे हैं। तो आगे चाहते हैं कि सरकार आए? हम तो चाहते आए, लेकिन इतनी महंगाई ना आए। अच्छा, तो ये जो 22 तारीख को बजट पेश होगा, तो उसमें क्या उम्मीद है कि सरकार और ये बजट जो है निराशापूर्ण रहेगा या फिर अच्छा रहेगा? उम्मीदें क्या हैं सरकार से अब तक के कार्यकाल को देखते हुए, उम्मीदें क्या हैं आप? उम्मीदें तो अच्छी सोच रहा हूँ, लेकिन वो होने वाला नहीं है ऐसा। कुछ कहना भैया बजट को लेके? अच्छा, नाम बता दीजिए अपना, आपका अजय कुमार, कहाँ रहते हैं? इंदिरा नगर मुंशी बुलिया। तो महंगाई को लेके क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है, जिससे जनता परेशान है। आप भी परेशान है? दुनिया परेशान है, माथे पसीना आ रहा है। अच्छा, क्यों नहीं? पसीना मतलब आ रहा है इसकी वजह से, महंगाई की वजह से आ रहा है? महंगाई तो है ही है। तो 22 तारीख का जो बजट आ रहा है उस पे क्या कहेंगे? अब इसके बारे में नॉलेज नहीं। सरकार से उम्मीदें कहाँ हैं? उम्मीद तो ये करेंगे कि महंगाई को थोड़ा घटाया जाए। बिल्कुल। और बस महंगाई को लेके बोलेंगे बस, थोड़ा समझ, बाकी जिंदगी मस्त है। चलिए ठीक है, दुनिया कमा खा रही है। हाँ बताइए क्या कहना है? कुछ नहीं। बजट को लेके क्या कहना है? बजट को क्या, महंगाई बढ़ती जा रही मैम, और क्या। सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार से क्या बोला जाएगा, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, बस जनता क्या लिए परेशान है इसमें, और क्या। जैसा कि तमाम लोगों से हमने बजट के बारे में पूछा और बजट को लेकर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, कुछ लोगों को निराशा है तो कुछ लोगों को आशाएं दिखी। तो लोग सरकार से ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार के बजट में महंगाई को कम किया जाए, यानी कि महंगाई को मुद्दों को उठाया उन लोगों ने। तो इस बार के बजट से लोगों की आशाएँ भी जुड़ी हैं और निराशाएँ भी, लेकिन ये जो सच्चाई है, ये जो बातें हैं, ये तभी उसका रिजल्ट निकलेगा जब ये बजट पेश होगा। 22 तारीख को ही ये पता चलेगा कि ये जो बजट है लोगों के अनुसार है भी या नहीं, लोगों की निराशा को दूर करता है या नहीं। वैसे तो वक्त ही बताएगा कि इस बजट में होने वाला क्या है, क्योंकि 22 फरवरी को ही ये बजट पेश होगा और तभी पता चलेगा कि बजट जो है लोगों के अनुसार है या नहीं।
और मिलूंगी अगले मुद्दे के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम ये तो पब्लिक है में।